हेलो स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू चैप्टर 4 अलंकार। क्वेश्चन नंबर 3 है, जिस विकल्प में पूछा गया अलंकार नहीं है उसे रेखांकित कीजिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से किसमें उत्प्रेक्षा अलंकार नहीं है। पहला है, लो यह लतिका भी भर लाई मधु मुकुल नवल रस गागरी। तो यह जो लता है वह भी मधुर मुकुल नवल रस गागरी को भर लाई है। तो यहाँ पे मानवीयकरण अलंकार है। लता को एक महिला बताकर उसे बोला जा रहा है कि जिस तरह महिला गागरी को भरती है उसी तरह यह जो लता है मधु मुकुल नवल रस गागरी नई गगरी नए रस की गगरी को भर लाई है। तो यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है। तो यहाँ पे पहला वाला जो है यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार नहीं है, इसको लगाएंगे। जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, मतलब कि जो काले पत्थर पे जरा सा केसर डाल देने से मानो कि वह उस पे लालिमा आ गई हो। तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है कि काला स्लेट है उस पे यदि हम लाल केसर थोड़ा गिरा दिए तो ऐसा लग रहा है कि मानो उस पे लालिमा छा गई है। और यहाँ पे गौ वाले में ले चला मैं तुझे कनक ज्यों भिक्षुक ले, तो ज्यों आया है तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ पे मनु दृग फारी अनेक जमुन निरखत ब्रज शोभा, तो मनु आया है तो यहाँ पे भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इसका आंसर पहला है, पहले में पूछा गया अलंकार नहीं है। नेक्स्ट है अतिशयोक्ति अलंकार। मानो माई घन घन अंतर दामिनी, घन दामिनी दामिनी घन अंतर शोभित हरिब्रज भामिनी। यानी यहाँ पे मानो आया है तो मानो किस में आता है, उत्प्रेक्षा अलंकार में आता है। तो यहाँ इस वाले में जो क है इसमें पूछा गया अलंकार नहीं है क्योंकि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार इसमें नहीं है। नेक्स्ट है, आगे नदियाँ पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। यहाँ पे राणा प्रताप जो है नदी पार करना था तो अभी सोच रहे कि नदी इतनी चौड़ी है इसे चेतक कैसे पार करेगा, तब तक चेतक उस पार हो जाता है। तो यहाँ पे बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, तो इसलिए यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार है। वह शर उधर गांडी गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का इधर सिर छिन्न भिन्न वैसे ही हुआ। तो यहाँ पर भी बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया गया है, तो इसमें भी अतिशयोक्ति अलंकार है। जिस वीरता से शत्रुओं का सामना उसने किया असमर्थ हो उसके कथन में मौन वाणी ने लिया। तो जिस वीरता के साथ उसने शत्रुओं का सामना किया उसका वर्णन करने में वाणी मौन है असमर्थ है, तो यहाँ पे बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया गया है, इसलिए इसका आंसर क होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में उपमेय छांटिए। तो उपमेय किसे कहते हैं, जिस वस्तु का वर्णन होता है उसे हम उपमेय कहते हैं। प्रीत नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि न रूप परागी, तो प्रीत रूपी नदी, तो वर्णन किसका हो रहा है, प्रीत का। तो प्रीत यहाँ पे क्या है, उपमेय है। निर्धन के धन से तुम आई, तो किसका वर्णन हो रहा है, तुम का वर्णन हो रहा है, तो तुम उपमेय है। सामने टिकते नहीं वनराज पर्वत डोलते हैं, जिसके सामने वनराज यानी शेर नहीं टिकते और पर्वत डोलते हैं, कांपता है कुंडली मारे समय का ब्याल। और समय का जो ब्याल है, समय रूपी जो ब्याल है वो कुंडलिनी को मारे हुए कांपता है। तो यहाँ पे समय का वर्णन हो रहा है, तो समय यहाँ पे उपमान हो जाएगा, उपमेय। समय क्या हो जाएगा, उपमेय। राजनीति के चंदन वन में सांप विषैले पनप रहे हैं, तो राजनीति के चंदन रूपी वन में सांप विषैले पनप रहे हैं, तो वर्णन किसका हो रहा है, राजनीति का। तो यहाँ पे राजनीति उपमेय हो जाएगा। यह शिला सा वच्छ ये चट्टान सी मेरी भुजाएं, शिला यहाँ वर्णन किसका हो रहा है, वक्ष का और भुजाएं का। वक्ष कैसा है, शिला के समान है, पत्थर के समान है, और भुजाएं कैसी है, भुजाएं चट्टान के समान है। तो ये दोनों उपमेय हो जाएंगी।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में उपमान छांटिए। तो उपमान, उपमान किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति और वस्तु की तुलना जिस प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है उसे हम उपमान कहते हैं। तो माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवे पड़ंत, जिस तरह जो दीपक के ऊपर पतंगा जो है निरछावर रहता है उससे अलग नहीं अपने आप को कर पाता, उसी तरह मनुष्य जो है माया से अपने आप को अलग नहीं कर पाता। तो यहाँ वर्णन माया और नर का हो रहा है और उदाहरण किसका दिया जा रहा है? दीपक और पतंगा का। तो यहाँ दीपक और पतंगा जो है वो उपमान है। सुवासित भींगी हवाएं सदा पावन माँ सरीखी। सुवासित मीन्स सुगंधित, सुगंध से भरी हुई हवाएं सदा माँ के समान लगती हैं। तो हवा का वर्णन हो रहा है और वर्णन किससे उपमा दी जा रही है? माँ से। तो माँ जो है यहाँ पे उपमान हो जाएगा। आवत जात कुंज की गलियन रूप सुधा नित पीजे, मतलब आते जाते कुंज की गलियों से आते जाते रूप रूपी सुधा को नित पीते हैं। तो यहाँ पे रूप का वर्णन हो रहा है, किससे हो रहा है? सुधा से हो रहा है। तो सुधा क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा, रूप रूपी सुधा। चंवर सदृश डोल रहे सरसों के सर अनंत, सरसों के सर यानी कि सरसों के ऊपर जो फूल लगे होते हैं वो चंवर के सदृश डोल रहे हैं। तो किससे वर्णन हो रहा, किससे तुलना की जा रही है? चंवर से। तो चंवर यहाँ पे उपमान हो जाएगा कि जिस प्रसिद्ध वस्तु से हम तुलना करते हैं वही उपमान होता है। एक रम्य उपवन था नंदन वंशा सुंदर, एक उपवन सुंदर उपवन था किसके समान? नंदन वन के समान। तो नंदन क्या हो जाएगा? नंदन जो है ये उपमान हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंक्ति के जिस अंश में पूछा गया अलंकार है उसे रेखांकित कीजिए। अनुप्रास अलंकार, तो अनुप्रास अलंकार लागी लागी आगी आगी भागी चले जहाँ तहाँ। तो ल यहाँ पे भी है, ल यहाँ पे, अ यहाँ पे है। और यहाँ पे भी है, तो लागी लागी आगी आगी यहाँ पे अ है, यहाँ पे हाँ हाँ है जहाँ तहाँ में। तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। मधुबन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियाँ। तो कलियाँ, कलियों में श्लेष अलंकार है। कलियाँ का अर्थ होता है एक फूलों के खिलने की पहले की अवस्था तथा दूसरा नव यवना से। तो कलियाँ का यहाँ पे दो अर्थ है। तो कलियाँ में श्लेष अलंकार है। मानो माई घन घन अंतर दामिनी, तो यहाँ मानो आया है, तो मानो में उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेक्स्ट रूपक अलंकार, तो शशिमुख, शशिमुख में रूपक अलंकार है। जहाँ पे योजक चिन्ह होता है इससे भी हम पहचान लेते हैं कि वहाँ पे रूपक अलंकार है। तो यहाँ पे योजक चिन्ह भी है शशिमुख, तो यहाँ पे रूपक अलंकार है। मुख रूपी चंद्रमा पर घूंघट पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे रूपक अलंकार है। नीचे है यमक अलंकार, काली घटा का घमंड घटा। तो घटा घटा दो बार आया है, एक घटा का अर्थ है बादल, दूसरी घटा का अर्थ है कम होना। तो इस तरह यहाँ पे यमक अलंकार है। तो आप इसे कंप्लीट कर लेंगे और इसे लर्न कर लेंगे।